नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। यह देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पौधा। यह इसकी पत्तियां देखने में जितनी सुंदर हैं, इस पर फूल भी उतने ही सुंदर आते हैं, देख रहे हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इस पौधे का नाम है रेड हिबिस्कस और एक और नाम है मैपल लीफ हिबिस्कस, साथ ही जापानीज मैपल हिबिस्कस और क्रैनबेरी हिबिस्कस, इसके इतने सारे नाम हैं। तो आप यह पौधा अपने पास के नर्सरी से खरीद सकते हैं। यह जनरली नर्सरी में आसानी से मिल जाता है, बहुत महंगा पौधा नहीं है। तो आप इस पौधे को अवश्य लगाएं। और अब इसका मौसम फ्लावरिंग का शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो यह सुबह में ही खिल जाता है, बहुत अच्छा खिलता है, लेकिन अब दोपहर का समय हो गया है इसलिए यह फूल अब बंद हो रहा है। आप देख रहे हैं यह फूल अब बंद हो रहा है। तो यह दोपहर तक यह खिला रहता है और धीरे धीरे यह बंद हो जाता है। इस पौधे की एक विशेषता यह है कि इस पर जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो लगातार ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी इसमें कलियां लगी हैं, सभी जगह कलियां बहुत सारी लगी हैं, देख रहे हैं भर भर कर इस पर कलियाँ आती हैं। एक फ्लावर यहाँ भी है, आज चार फूल खिले थे। और इस पौधे को कैसे लगाएं, इसकी देखभाल कैसे करें, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले गमला की बात कर लें, तो इस पौधे को लगाने के लिए बहुत बड़े गमला की ज़रूरत नहीं है। आप 10 इंच के गमला में इस पौधे को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरा तो ये 6 इंच का मात्र 6 इंच के गमले में ये लगा है। और तो आप 6 इंच के गमला नहीं, कम से कम 10 इंच का गमला दीजिए ताकि अच्छा ग्रोथ हो और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। तो आप 10 इंच के गमले में इसे लगा सकते हैं। इसकी कई वैरायटीज है बाज़ार में, ये देख रहे हैं, जो हल्का लालिमा लिए हुए पत्ती है। जब फ्लावरिंग नहीं भी हो तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, इसलिए कि फ्लावरिंग नहीं होने पर भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यह बेहद खूबसूरत दिखेगा। और इसका एक दूसरा वैरायटी आता है जिसकी पत्तियाँ हरी होती हैं, और एक तीसरा वैरायटी ये है जिसकी पत्ती हरी होती है और बाद में वो धीरे धीरे लाल होने लगता है। तो तीन वैरायटी है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। इसकी मिट्टी जब भी बनाएं तो रेतीली मिट्टी बनाएं, यह रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छा चलता है। और उसमें एक डेढ़ मुट्ठी केचुआ खाद या गोबर खाद का प्रयोग करें, एक मुट्ठी नीम खली डालें, तो ये इसके लिए काफ़ी है। और यह पूर्ण धूप में रहने वाला पौधा नहीं है, इसे सेमी शेड में लगाएं। सेमी शेड में या सुबह 2-3 घंटे की धूप हो और शाम में थोड़ा सा धूप मिल जाए, वैसी जगह यह बहुत पसंद करता है। पूर्ण रूप से धूप में लगाने पर यह इसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी और कलियां जो हैं वो गिर जाती हैं, कली जो हैं बर्न हो जाती हैं और गिर जाती है। तो इसे आप सेमी शेड में लगाएं, तो सेमी शेड में यह बहुत अच्छा चलता है। इसे
दो तरह से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, पहला कटिंग से और दूसरा बीज से। जो ये फूल देख रहे हैं, जो फ्लावर, तो ये फूल खिल जाने के बाद जब सूख जाता है तो उसी में बीज बनता है। देख रहे हैं, यहाँ एक है, इसी के अंदर ये बीज तैयार हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, तो आप उस बीज को उसी मिट्टी में गमले में लगा दें तो फिर उसी गमले में नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, और यह एक परमानेंट पौधा मान सकते हैं आप इसे। हालांकि इसकी आयु साल भर ही होती है, लेकिन परमानेंट इसलिए है कि जब ये बीज तैयार हो जाए तो आप उस बीज को थोड़ा सा ऊपर से खन दें गमले में, और खन करके बीज डालकर मिला दें और पानी हल्का डाल दें, यह काफ़ी है, और खुद ब खुद उसमें पौधे उगाएंगे। आप 8-10 बीज डालें, 8-10 में से 2-3 पौधे तो निकल ही आएंगे। तो बहुत ही आसान है। तो इस मायने में आप देखें तो यह एक परमानेंट पौधा है, तो इसमें इसे लगाना बहुत आसान है। तो कुछ लोग इसे डाल से भी लगाते हैं, लेकिन डाल से लगाने से अच्छा है कि आप बीज का प्रयोग करें। बीज से ये बहुत आसानी से होता है, डाल से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। इस पौधे पर एक समस्या जो बहुत ज़्यादा आती है, मिलीबग का अटैक इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और मिलीबग सफ़ेद सफ़ेद आप देख ये देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिलीबग यहाँ लगा है। तो आज ये अभी देखने में आया है, कल तक नहीं देखा था। तो इस पर मिलीबग का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। मिलीबग से बचाव के लिए सबसे आसान तरीका है कि 10 दिन 15 दिन पर नीम तेल का छिड़काव ज़रूर करें। तो थोड़ा सा नीम तेल लें और उसमें हैंड वॉश मिलाकर पानी में अच्छी तरह से घोलकर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से छिड़काव कर दें, तो इससे मिलीबग का अटैक ख़त्म हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतने पर यह मिलीबग बहुत तेज़ी में काफ़ी बढ़ जाता है। तो फिर वैसी स्थिति में उस डाल को ही हटाना, काट करके हटाना सही रहेगा। इसलिए समय समय पर नीम तेल का छिड़काव ज़रूर करें। आप इसे जब ज़मीन में लगाना हो तो ज़मीन में लगाने के लिए पूर्ण धूप में लगाएं, तब सेमी शेड में ना लगाएं। लेकिन गमला में लगाना हो तो सेमी शेड में लगाएं। जब ज़मीन में लगाना हो तो आप इसे धूप में लगाएं। धूप में लगाने से पौधे स्वस्थ रहेंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, पत्तियां एकदम डीप रेड होंगी, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, कलियां ज़्यादा बनेंगी धूप में लगाने पर। लेकिन अगर ज़मीन में लगा रहे हो और सेमी शेड में लगा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। तो बहुत ही यह सुंदर पौधा है, आप इसे ज़रूर लगाएं। आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।